हेलो एवरीवन वन कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं मस्त हैं स्वस्थ हैं पॉजिटिव हैं अच्छी चीजों का अट्रैक्ट कर रहे हैं मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं तो गाइस आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोड गाइडेंस में तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूं और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या इमोशंस हैं आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं वो क्या चाहते हैं वो आपसे क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में हम ये देखने वाले हैं ठीक है तो गाइज अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालू आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को ठीक है तो एक शेयर कर दो उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है तो मैंने यहां पर कैंडल जला लिया आपको फोकस करना अपने पार्टनर के ऊपर उनका फेस विजुलाइज करना है और ध्यान रखिएगा एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उसे रखना है बाकी को लटको कर देना है टाइमलेस रीडिंग है कभी भी देख सकते हो ठीक है आपके लिए स्टिल ये रेजोनेट होगी और टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हो दो तीन साल बाद भी देखोगे ना तो भी रेजोनेट होगी ओके तो चलिए फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर अच्छे से उनका नाम ले लीजिए आई होप आपने ले लिया होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए आप देख रहे हो पहला ही ड्रॉप से दिल बनाये यहां पर हार्ट वाव। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं वो गाइड कीजिए यूनिवर्स मैंने बोला था ना आपको हार्ट बनाए तो ऐसा दिख रहा है कि हार्ट के आसपास ना और भी आप देख रहे हो कि वैक्स वगैरह आ गई है ऐसा दिख रहा है ना कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा हो मुझे जो फील हो पा रहा है ना कि वो हार्ट ना टूटा हुआ है मतलब अचानक से तलवार आ गई ऐसा दिख रहा है वो चीर कर ले गई उस दिल को तो इन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया है बहुत तोड़ा है इस रिश्ते में बहुत ज्यादा दुखाया है ठीक है ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना रिसीवर की एनर्जी इसमें थे रिसीव ही करते रहे रिसीव करते रहे आपसे आपका प्यार आपके इमोशंस ये रिसीव करते रहे इन्होंने वो प्यार इक्वल गिव टेक नहीं किया बस आपका प्यार लेते रहे आपके इमोशंस का ये फायदा उठाते रहे आपका फायदा उठाते रहे ये ठीक है पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना आपकी लाइफ में आपकी लव लाइफ में प्यार एक्सपेक्टेड है ठीक है या तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी लाइफ में दूसरा पार्टनर कोई दूसरा इंसान आ जाए नहीं तो मुझे ऐसा दिख रहा है इनके साथ आपका रीयूनियन होगा ठीक है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि दूसरा कोई आपकी लाइफ में दूसरा इंसान आ जाए जो हो सकता है किसी की एंट्री हो भी गई है स्टिल आप लोगों की लाइफ में तो वो आपके पार्टनर निकल के आए और कुछ लोगों के लिए मुझे स्टिल यहां पर दिख रहा है कि आपके जो अपने पार्टनर हैं जिनके साथ आप सेपरेशन में हो उनके साथ आपका रीयूनियन रिकन्सुलेशन होगा ठीक है पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना रिकन्सलेशन होने के बाद भी आप ना प्रॉब्लम फेस करने वाले हो इस रिश्ते में फिर भी आप प्रॉब्लम्स दिक्कतें फेस करने वाले हो फिर वो चीजें ना आपके साथ होने वाली हैं ऐसा कुछ दिख रहा है ऐसा दिख रहा है ना ये रिश्ता ना उतार चढ़ाव से आज तक गुजरा है और आगे भी उतार चढ़ाव रहने वाले हैं ठीक है एक टाइम तक रहेंगे ऐसा नहीं कि जिंदगी भर ही रहेंगे फिर उतार चढ़ाव ऐसा नहीं है एक टाइम तक उतार चढ़ाव आप फेस करोगे जैसे अभी कर रहे हो और एक टाइम तक करोगे बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि 2027 में चीजें काफी हद तक आप दोनों के बीच में बेटर हो जाएंगी हाँ लंबा टाइम है पर उससे पहले ऐसा नहीं होगा कि तभी री होगा उससे पहले री हो जाएगा पर चीजें स्टेबल मुझे दिख रही है कि 2027 में ठीक है देखो मुझे ऐसा दिख रहा है ना उतार चढ़ाव किसी की वजह से यहाँ पर आप दोनों अलग हुए हो तो किसी की वजह से ही आने वाले हैं वो उतार चढ़ाओ ठीक है बाद में भी कोई इंसान आप दोनों के बीच में आकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वो चीजें दिख रही हैं आप ना बहुत हर्ट हो रहे हो स्टिल आज भी आप हर्ट हो रहे हो क्योंकि आप देख रहे हो अपने पार्टनर को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कोई थर्ड पर्सन है आप दोनों के बीच में ठीक है ऐसा दिख रहा है कि आपने या तो इनका फोटो देखा है उसके साथ ये खुश है या इनको देखा है या किसी ने आपको बताया कि आपका पार्टनर किसी और के साथ खुश है तो आप ना हर्ट हो रहे हो ठीक है ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर अभी ना उसको छोड़ रहे हैं ना आपके आपको छोड़ना चाहते हैं मतलब ना ऐसा दिख रहा है कि बैक ऑफ द माइंड वहां तो रिश्ता निभा ही रहे चाहे कोई भी थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में हो कोई भी थर्ड पार्टी हो वहां रिश्ता निभाए जा रहे हैं पर ये आपको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं आपसे भी मूव ऑन नहीं होना चाहते हैं क्योंकि आपकी तरफ इनका प्यार अटैचमेंट भी दिख रहा है ठीक है ऐसा दिख रहा है ना कि आप दोनों ही एक दूसरे को ना स्टॉक करते हो आप दोनों ही एक दूसरे को आ, चुपचाप से देखते रहते हो ऐसा दिख रहा है कि स्टॉक की एनर्जी मैं ज्यादा देख रही हूँ चुपचाप से एक दूसरे पर नजर बनाना सोशल मीडिया के थ्रू या किसी से पता कराते रहते हो आप दोनों ही ना एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल हो ठीक है ऐसा दिख रहा है ये आपके लिए भी इमोशनल है उतना ही इमोशनल है पर कहीं ना कहीं इन्होंने ना आपको क्लैरिटी नहीं दी कंफ्यूजन माइंड सेट में रहे हैं आप में और किसी दूसरे व्यक्ति में जैसे मैंने बोला कोई है आप दोनों के बीच में तो आज भी इनका माइंड ना फॉगिनेस सा दिख रहा है आज भी इनके माइंड में वो क्लैरिटी नहीं है स्टिल वो क्लैरिटी आज भी नहीं दिख रही है ठीक है पर आपके लिए यहां पर पैशन जरूर दिख रहा है क्योंकि जो मैं फ्लेम देख रही हूं ना इतनी हाई दिख रही है हो सकता है आपको पता नहीं कैमरे में इतनी हाई फ्लेम दिख रही है या नहीं दिख रही है यहां पर फ्लेम बहुत हाई है ठीक है ऐसा दिख रहा है पैशन आपके लिए है ठीक है पर ये ना रिश्ता उस हिसाब से जैसा आप चाह रहे हो ना वो रिश्ता नहीं निभा रहे कहीं ना कहीं ये ना प्रिटेंड कर रहे हैं आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं है कि आप इनसे गुस्सा क्यों इनको पता ही नहीं है ऐसा ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि आपके दिल में क्यों गुस्सा हो जाती हो या क्यों गुस्सा हो जाते हो ऐसा ये सोचते हैं या आपसे कहते भी हैं कई बार और गुस्सा हो रहे हैं ठीक है ठीके? आपको और उल्टा गुस्सा दिखा रहे हैं यानी कि आपको गलती खुद करना पर ब्लॉक कर देना या आप पे इल्जाम लगाते हुए आना या आप पे ही चीजें डाल दे समझियो आप गलती खुद करते हैं और चीजें आप पे डाल देते हैं ऐसी वाली एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है यहां पर और एक्सेप्ट नहीं करना कि मैं गलत था या मैं गलत थी क्योंकि ये ना ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि इनको पता ही नहीं है कि भाई आप क्यों गुस्सा हो आप किसी थर्ड पर्सन की वजह से या किसी इन्होंने किसी और को आप दोनों के बीच में जगह दी है इस वजह से आप गुस्सा हो या फिर आ, इन्होंने जो हर्ट किया है ना आपको किसी और को चूज करके आपको नहीं चूज करके आपको स्टेबिलिटी नहीं देके आपको कमिटमेंट नहीं देके आप जो चाहते थे आपको वो वैसा इन्होंने दिया नहीं है तो आप हर्ट हो यहां पर और ये ऐसा फील करा रहे हैं ना आपको कि इनको तो पता ही नहीं है बहुत डिफेंसिव होते हुए मुझे दिख रहे हैं ये ठीक है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप भी चाहते हो कि ये आपको ये आपको एक्सेप्ट करें आप के साथ ये ये किसी थर्ड पार्टी को छोड़ करके ये आपकी तरफ आए आप ऐसा चाहते हो पता है ऐसा दिख रहा है कि कमी तो आपके लिए भी नहीं है आपको भी काफी लोग प्रपोज करते हैं आपको भी काफी लोग पसंद करते हैं पर क्या है ना कि आप ही नहीं कहीं और बढ़ रहे हो आप इनके तरफ इनमें स्टक मुझे दिख रहे हो आप आपने प्यार किया इनसे और वो भी सच्चा प्यार ठीक है तो इसीलिए आप ना कहीं और नहीं देख रहे हो कही, कहीं कहीं मूव ऑन नहीं करना चाहते हो या फिर आप हर्ट भी हो अगर आप मूव ऑन भी कर रहे हो तो आप किसी और के साथ बदना नहीं चाहते हो इतनी जल्दी तो मुझे नहीं दिख रहा कि आप बदना चाहते हो सकता है आप थोड़ा टाइम लो या आप सोचो पर अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है मुझे ठीक है पर हाँ ऐसा जरूर दिख रहा है कि ये ना आपको लेकर काफी ऑपसेस्ट हो रहे हैं ऐसा जरूर दिख रहा है ये बहुत ज्यादा ऑपसेस्ट हो रहे हैं कहीं ना कहीं आप भी ऑप्सेस्ड होते हो कि ये थर्ड पार्टी के साथ क्या कर रहे हैं कैसे रह रहे होंगे कितने करीब होंगे मतलब आपके दिल दिल दिमाग में भी ना वो चीजें चलती रहती हैं और यहाँ इनके दिमाग में भी ऐसा चल रहा है ना कि आपकी लाइफ में तो कोई नहीं आया क्योंकि इनको पता है कि आप चाहो तो अपने पीछे लाइन लगा लो आप चाहो तो आपको कितने लोग आपकी लाइफ में आ जाए वो तो आप ही नहीं चाह रहे हो ये चीज इनको पता भी है ठीक है इनको पता है कि आपका नेचर आपकी ब्यूटी हर चीज आप ना एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो चीजों का तो ये चीज तो इनको पता है पर फिर भी ना फिर भी ये आपको इतना निग्लेक्ट करते हुए आए हैं वो इसीलिए क्योंकि आपके प्यार का आपके इमोशंस का इनने पूरा का पूरा फायदा उठाते हुए आपके पार्टन मुझे दिख रहे हैं ठीक है उठाया हुआ है इनने इसलिए इनको ऐसा लगता है कि ये तो मुझसे बहुत प्यार करती है या मुझसे बहुत प्यार करता है ये कहीं जाएगा ठीक है ऐसा मुझे दिख रहा है पर आप हर्ट हुए हो आप बहुत हर्ट हुए हो आप इनकी तरफ भी नहीं आना चाहता आना चाहते और हो सकता है कि आप कहीं और भी नहीं जाना चाहते हो पर आप इनकी तरफ भी नहीं आना चाहते हो आप इतना हर्ट हो चुके हो इनसे ठीक है आपको बुरा फील होता है इन्होंने कैसा किया आपके साथ और क्यों किया आप तो आपके अंदर ना एक क्वेश्चन है कि मेरे अंदर क्या कमी रह गई थी मैंने क्या कमी रख दी थी क्या किस चीज की कमी थी जो आप आपको इन्होंने वैसे ट्रीट नहीं किया जितना ये थर्ड पार्टी के लिए कर रहे हैं आपको ऐसा फील हो रहा है कि उसके लिए कितना प्यार आ रहा है इनके मन में या कितना कुछ कर रहे हैं उसके साथ कैसे खुश है मैंने क्या ही कमी छोड़ दी थी ठीक है ऐसा भी आपको फील होता है हो सकता है ये क्वेश्चन भी आपने किया हो इनसे कि मैंने क्या कमी छोड़ दी थी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मैंने क्या कर दिया था कुछ आपने ऐसा पूछा भी हो ऐसा दिख रहा है ठीक है देखो रीच आउट करना चाहते हैं ये आपको आपसे बात भी करना चाहते हैं आपके साथ बात को सॉल्व भी करना चाहते हैं बट इनको ऐसा लग रहा है फिर आप कमिटमेंट मांगोगे क्वेश्चन करोगे जो ये आंसर आपको नहीं दे पाएंगे ठीक है क्वेश्चन के तो ये ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये ये कुछ नहीं बोलते हैं ठीक है ये इसीलिए ये आपकी तरफ नहीं आते हैं आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं कि आप इनसे कुछ ना कुछ बोल दोगे लड़ लोगे या कुछ कह दोगे तो इनके पास कुछ जवाब तो होने वाला है नहीं ठीक है ऐसा दिख रहा है इनको डर है इस चीज का कि क्या ही बोल सकते हो आप कुछ ऐसा खतरनाक ही ना बोल दो या खतरनाक इनको ट्रीट ना करने लग जाओ कुछ समझ रहे हो आप तो ये क्या ही करेंगे ठीक है क्योंकि ये आपसे कुछ लड़ना भी नहीं चाहते क्योंकि हो सकता है पास में काफी लड़ चुके हो आप लोग ये आपसे लड़ना भी नहीं चाहते ना ये आपको खोना चाहते हैं ऐसा भी दिख रहा है पर आपने सोचा है कि दो चीजें एक साथ तो रहेंगी नहीं या तुम तो मुझे ही चूज कर लो या थर्ड पार्टी को ही चूज कर लो आपका ये मानना है ठीक है ऐसा दिख रहा है ना आपके रिश्ते को बहुत 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 बुरी नजर लगी है ठीक है किसी की यहां पर नजर लगी है बहुत बुरी मैं वो एनर्जी भी देख रही हूँ बहुत रिश्ते हुआ रिश्ता बहुत इफेक्ट हुआ है बहुत ज्यादा ठीक है क्योंकि लोग बहुत जैलेस्ड है आप ना किसी को कह नहीं सकते आप पहचान भी नहीं सकते कि लोग इतने चैलिस हैं देखो अपनी चीजों को तो कम लेते हैं पर दूसरों की चीजों को देख कर ना काफी जेलेस्ट रहते हैं बहुत गलत चीज है ये इस वजह से ना आपका हंसता खेलता परिवार टूटा है या आपका जो लव रिलेशनशिप है ना ये टूटा है कितना अच्छी बॉन्डिंग थी एक समय पर आप दोनों के बीच में कितना प्यार था आप दोनों के बीच में कितना स्ट्रांग इमोशंस एक दूसरे के लेते घंटों बात करते थे घंटों बातें शेयर करते थे अच्छे से रहते थे अगर लड़ाई झगड़े भी होते थे तो छोटे मोटे होते थे ऐसे लड़ाई झगड़े की आ, अभी हुए और थोड़ी देर बाद सॉल्व हो गई या एक दो दिन बाद तब भी सॉल्व हो गए पर अभी जो चीज है ना वो सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रही है क्योंकि चीजें हुई इनने एक्शन जो लिया है ना वो बहुत ही खराब एक्शन लिए हैं ठीक है देखो अभी उतार चढ़ाव से आपका रिश्ता जा रहा है आगे भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि रीयूनियन होने के बाद भी चीजें आप दोनों के बीच में उतार चढ़ाव आ सकती है क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना कि ये जो वैक्स है ना एकदम से पलटी है तो देखो चीजें अच्छा समय तो आएगा पर हो सकता है वहां पर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ जाए ठीक है एक स्टेबिलिटी जैसी तो मैं नहीं देख पा रही हूं यहां पर पर जैसे मैंने बोला 2027 के बाद आपका रिश्ता काफी हद तक स्टेबल चलेगा फिर ठीक है चीजें बहुत बेटर होंगी उस टाइम समय ओके तब तक प्रोटेक्ट करके रखो चीजों को और आप ना देखो आप जितना कर सकते थे ना इस रिश्ते में किया है आप बहुत अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी डाउन करके ना आपने इस रिश्ते को बचाया जो कि एक एक पहिए से कहाँ रिश्ता चल पाता है जहां पर दो पहिए होंगे तभी तो रिश्ता चलेगा एक के करने से क्या होगा यहां पर ये चीज आपको समझनी पड़ेगी ठीक है आपको चेज करना नहीं है इनको और चेज करने से बचो ठीक है अभी भी आपको चेज नहीं करना क्योंकि गलती इनकी है देखो आपकी जहां पर गलती है वहां पर सॉरी भी बोलो क्योंकि मुझे ऐसा बार बार दिख रहा है कि आपने कितना सॉरी बोला है बहुत सॉरी बोला है सॉरी 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 ऐसा मैं देख रही हूं ठीक है आपकी तरफ से गलती ना होकर भी आपने माफी मांगी है बस इसीलिए कि चलो यार झुक जाते हैं ये नहीं झुक रहे हैं तो मैं ही झुक जाऊं आपने ऐसा सोचा है कि ये तो बहुत इगोस्टिक है ये बहुत अकड़ू है ये बहुत घमंडी है ये नहीं झुक है या नहीं झुकती है तो चलो मुझे रिश्ता बचाना है मुझे अलग नहीं होना है क्योंकि आपकी हैप्पीनेस का रीजन ही ये थे आपकी खुशियों का आपने किसी को इतना प्रायोरिटी में रखा ही नहीं हमेशा इन्हीं को प्रायोरिटी में रखा और यही आपकी खुशियों का सारा रीजन मुझे यहां पर दिख रहे हैं कि यही थे ठीक है पर अब जब आप लोग का ब्रेकअप हो चुका है या सेपरेट हो चुके हो आप लोग तो आपको कहीं हद तक समझना पड़ेगा कि अब आपको चेज नहीं करना है इनको चेज मत करो इनके पीछे मत भागो आप ही के हैं क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों सोलमेट जर्नी में हो ठीक है आपके ही हैं आपकी तरफ आना ही है लॉर्ड के बुद्धू घर को आएंगे आज नहीं तो कल आएंगे पर आएंगे जरूर ठीक है क्योंकि ऐसा मुझे नहीं दिख रहा कि इनको प्यार नहीं है ठीक है ये उस हिसाब से आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं या आपको जता नहीं रहे पर प्यार यहां पर है इनके मन में ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है ठीक है गाइस मुझे यहां पर ना सेवन uh, यहां पर मुझे सिक्सटीन यहां पर मुझे ट्वेंटी फाइव नंबर दिख रहा है किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है या तो आपका बर्थ है या इनका है मैं कुछ और नंबर भी देख रही हूं मैं आपको बता देती हूं फोर दिख रहा है थर्टीन दिख रहा है और यहां पर ट्वेंटी टू दिख रहा है ठीक है और मुझे यहां पर थ्री भी दिख रहा है थ्री ट्वेल्व ट्वेंटी वन थर्टी ठीक है और कुछ नंबर रिफ्लेक्ट हुए हैं और बता देती हूं मुझे यहां पर टू दिख रहा है इलेवन दिख रहा है ट्वेंटी दिख रहा है ट्वेंटी एट दिख रहा है ठीक है ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन दोनों हो सकते हैं ठीक है तो ये नंबर्स या तो आपका डेट ऑफ बर्थ है या आपके पार्टनर का है ओके मुझे यहाँ पर ना कुछ नंबर रिफ्लेक्ट हुए हैं मैं आपको सॉरी नंबर तो मैं बता चुकी हूं मुझे यहाँ पर कुछ इनिशियल्स रिफ्लेक्ट हुए हैं आपका या इनका हो सकता है मैं आपको कुछ इनिशियल्स बताती हूँ ठीक है मुझे यहाँ पर बी दिख रहा है साफ साफ मुझे यहाँ पर सी दिख रहा है जे दिख रहा है के दिख रहा है ठीक है मुझे यहाँ पर ए दिख रहा है वी दिख रहा है एम दिख रहा है टी दिख रहा है पी दिख रहा है ओ दिख रहा है, या तो आपका इनिशियल होता है हो सकता है या फिर आपके पार्टनर का ओके? Okay? राशियां जो दिख रही हैं, आपकी राशि में मुझे कर्क राशि दिख रही है आ, एक्वेरियस दिख रहा है मीन राशि दिख रही है वृश्चिक राशि भी हो सकती है यानी कि स्कॉर्पियो ठीक है मुझे आपकी राशि में तुला दिख रहा है यहां पर मुझे आपकी राशि में मुझे आपकी राशि में वृषभ भी दिख रहा है ठीक है ये कुछ राशि मुझे आपकी रिफ्लेक्ट हुई है वैसे तो ये ऑलजोटिक साइन है पर यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई है और मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की जो राशियां दिख रही है एरीज दिख रही है लियो दिख रही है सैजिटेरियस में सिंह धनु राशि मुझे यहाँ पर जिमना लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी दिख रहा है कर्क वृश्चिक मीन राशि ओके आप ना हमेशा इक्वालिटी में बिलीव करते हो आप ना हमेशा चीजों को बैलेंस करने में बिलीव करते हो पर लव लाइफ के मामले में कहीं ना कहीं आप इक्वालिटी नहीं कर पाए यानी कि आप ही आप ना देते रहे रिसीवर ही रहे आप ना गिवर ही रहे हो और ये ना रिसीवर रहे हैं हमेशा इन्होंने लिया ही लिया है और चीजों में तो आप इक्वालिटी अच्छे से करते हो कि किसी का एक रुपया नहीं रखना है किसी का पैसा नहीं रखना है किसी से उधार नहीं लेना है इनके लिए हो सकता आपने लिया भी हो बट आप तो इन चीजों में बिलीव करते हो कि नहीं किसी का कुछ नहीं रखना है पर कहीं ना कहीं प्यार के मामले में ना आप अंधे हो गए थे ऐसा दिख रहा है कि आपने उधार भी लिया इनके लिए पैसा भी इन्वेस्ट किया है और आप ही देते आए हो मनी से रिलेटेड भी दिख रहा है और प्यार से रिलेटेड भी दिख रहा है ठीक है आप ही ने सब कुछ किया है आप ही देते हुए आए हो तो अगर जब आप इक्वालिटी में बिलीव रखते हो क्योंकि आप रखते हो आप ऐसा सोचते हो कि जैसे मेल फीमेल सेम होते हैं यानी कि लड़का लड़की बराबर होता है जितना लड़का कुछ कर सकता है तो लड़की भी कर सकती है ठीक है आप किसी को बड़ा छोटा नहीं समझते आप इक्वालिटी में बिलीव करते हुए आए हो, हो सकता है कि आप, आपके बच्चे भी हों इवन तो भी आप इक्वालिटी में बिलीव करके बिलीव करते हुए आए हो पर यहां पर ना आप आप ना बहुत ज्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने खोया है आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोनी है किसी के लिए भी नहीं खोनी है ठीक है मैं मानती हूं आप प्यार करते हो पर इतना भी नहीं करो कि कोई आपको इतना आपके इतना हार्म करे आपका दिल इतना दुखे क्योंकि यहां पर दिल दुखने की एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा फील हो रही है आपका लिटरली आज भी दिल दुख रहा है और दिल दुखते हुए आया है और वो इसीलिए क्योंकि आपने सच्चा प्यार किया है यहां पर ठीक है इसलिए मैं कहूंगी कि बस अब थम जाओ अब इनको माफ, मा, माफी मांगने दो अपने करियर में क्योंकि आप ना करियर में भी फोकस नहीं कर पा रहे हो कहीं ना कहीं या नहीं कर पाए थे आप चाहते हो आप करियर पे फोकस करना तो थोड़ा सा करियर पे फोकस्ड रहो ठीक है क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना आपका करियर भी अच्छा होगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हो इतना ध्यान ना जितना आपने इनके ऊपर दिया इतना शायद आप करियर पे फोकस्ड होते तो आपका करियर कहां पहुंच जाता आज पर ठीक है ऐसा नहीं है कि लव लाइफ में ध्यान देना नहीं है देना चाहिए पर इक्वालिटी होनी चाहिए मुझे ऐसा लगता है ठीक है ये बैलेंस और इक्वालिटी आएगी आपकी लाइफ में स्टेबलिटी जैसे मैंने बोला स्टेबल होगा रिलेशनशिप दो से 2027 से ठीक है टू दो से मुझे दिख रहा है कि स्टेबल होगा पर हाँ उतार चढ़ाव आते रहेंगे तब तक कुछ ना कुछ ठीक है लंबा टाइम है आई नो लंबा टाइम है अभी तो बहुत टाइम है पर ऐसी एनर्जी दिख रही है गाइज ठीक है पर कोई नहीं आपको पॉजिटिव रहना है और मैनिफेस्ट करते रहना है चीजें बेटर होंगी ओके तो यस, ये कुछ एनर्जी दिख रही है मुझे आपके पार्टनर की आपकी तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा कमेंट और शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक केयर गाइज